गुड इवनिंग आशीष पांडे ने सबसे पहले बोला था ग्रीवन तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग पहले से आके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं वाली फीलिंग आती है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आई शुड नॉट बी लेट वे लेट नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेट है ये सिस्टम है कहीं पे चलता है कहीं पे नहीं चलता है कहीं पे कुछ दिक्कत करने लगता है दिस इज ऑल अबाउट कि क्या चीजें कैसी चल रही है है ठीक भाई भाई मेरे चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं ऋषभ पटेल गुड इवनिंग ऋषभ कैसे हो भाई मेरे क्या चल रहा है कैसे हो है ना और कौन है और देखो अभी क्या है ये एक बढ़िया मौका है आपके पढ़ने के लिए है ना सबसे अच्छा तरीका है अभी आप पूरा दिमाग लगाओ पढ़ाई के ऊपर क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देने वाला है सबसे ज्यादा आपको लाभ देने वाला है ठीक है क्या है क्योंकि अभी मोस्टली लोग पढ़ाई से ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे टाइम को सार्थक बनाइए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए ज्यादा से ज्यादा चीजें मेमोराइज करने की कोशिश करिए एक ही एम जो आप पढ़ चुके हैं उन्हें बार बार पढ़िए देखो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है आप कितना याद रख पाते हैं ये चीज मैटर करती है आपने पूरा समुद्र पढ़ रखा है पूरी लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली आपने लिया भी, भी नहीं है तो आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही बैठ बना जाओगे ठीक है आशीष चलो भाई वगैरह सब लोग हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्कार ठीक एक मिनट और रखना दोस्तों लेट मी ओपन द Bigger one. चलो गुड इवनिंग प्रियंका कैसे हैं आप लोग तो क्लास की शुरुआत करते हैं देखो दोस्तों आज हम जी और जीएस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे लेकिन आज के सेशन में आज आज आपको जीए जीएस के ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है भाई ये चीज याद रखना आज आपको जीए जीएस के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीए के लगभग लगभग आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साइंस के लगभग लगभग आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग 50 क्वेश्चन का आज आपको टोटल देखने को मिलेगा तो काफी बड़ी लंबी क्लास चलेगी आज की सुमित ठाकुर सर ये ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो भाई मेरे मैं फिर से बता देता हूँ ग्रुप डी का एग्जाम शेड्यूल रहेगा लगभग जून में एग्जाम होगा आपका ठीक है जहां तक है मेरा जून में आपका एग्जाम होगा ग्रुप डी का ठीक है। गुड इवनिंग शालू रावत जी गुड इवनिंग समुद्र साहब को गुड इवनिंग ऋषभ चलो क्लास की शुरुआत करते हैं <coughs> देखो भाई पहली चीज तो ये पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था मैंने मोस्टली एन क्वेश्चंस क्वेश्चन हैं क्योंकि एन के बहुत ही बढ़िया प्रश्न आए थे और ये चीज आप बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं तो बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज़ कराने के लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूं इसी में आपको ग्रुप डी के क्वेश्चन भी मिलेंगे लास्ट में और शुरुआत में एन क्वेश्चन मिलेंगे अब यहाँ से फ़ायदा दो तीन चीज़ों को मैंने टारगेट किया है जिन बच्चों का सी का एग्ज़ाम चल रहा है वो चीज़ उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा जिन बच्चों का सी का एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा जे बच जो बच्चे सी बी की तैयारी करना चाहते हैं उनका फ़ायदा है और ग्रुप डी के लिए मैंने अलग से साइंस रखी है तो बहुत सारे एग्जाम्स को मैंने एक साथ टारगेट करने की कोशिश की आंसर आने लगे आशीष ने पहले आंसर ए दिया है प्रियंका ने ए दिया है डिंकी ने दिया है मनोज ने दिया है ऋषभ ने दिया है मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दिया है द राइट आंसर विल बी दोस्तों विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त को हम क्या कहते हैं चाणक्य भी कहते हैं विष्णुगुप्त कह लो या फिर चाणक्य कह लो एक ही बात है ठीक है तो विष्णुगुप्त कहें या फिर चाणक्य कहें बात एक ही है और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने एक नीति भी लेके आए थे चाणक्य नीति एक किताब भी लिखी है लिखी गई जिसका नाम है अर्थ साहब किताब है अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त या फिर हम कह सकते हैं चाणक्य इनकी इनको एक बड़े राजा ने अपमानित किया था जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने बहुत ही अदने से और आम से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया उसका नाम क्या है उसका नाम है दोस्तों उस राजा का नाम था धनानंद तो अब आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की है तो आंसर बनेगा धनानंद किसकी सहायता से विष्णुगुप्त की सहायता से ठीक है बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे याद रखेंगे सभी लोग बाणभट्ट किसके दरबारी थे हर्षवर्धन के दरबारी थे और बाणभट्ट ने किताब लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित क्योंकि इन्हीं के दरबारी थे इन्हीं के जो है शासन के बारे में चीजें लिखी है इसके अलावा रत, इसके अलावा एक और किताब लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी तो कादंबरी और हर्षचरित दोनों की दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं बाढ़ भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं मैं पास हूं प्रणाम भैया तुम तुम भी आगे तुम भी देते सही दिया है चलो भाई आगे चलें अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा चंद्रगुप्त मार्ग बिंदुसारे बिंदुसार अशोक आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान किस खाड़ी से आया था देखो तो हम भारत की बात करें तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है और आप सबको पता है कि भारत की भारत में ये जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर जब भी तूफान आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से तूफान जाएगा तो डेफिनेटली ये तूफान कहाँ से आएगा जो उसका समुद्री समुद्र के पास में है ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है तो आप सभी लोगों को पता है इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी क्या हो जाएगा बंगाल की खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी से यह तूफान इधर की तरफ गया था जिसका नाम था अम्फान तूफान और अम्फान तूफान में जो सबसे ज्यादा हेल्प की थी उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल की हेल्प की थी आंसर क्या होगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी इसका सही उत्तर बन जाएगा ठीक है भाई नेम थाईलैंड ने दिया था बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है प्रणाम सर छोटा आशीष हाँ भैया छोटे आशीष कैसे हो अगला प्रश्न कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने की थी पहला अधिवेशन पे हुआ था अट्ठारह में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे याद रखना यह चीज पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था बदरुद्दीन तैयब जी पहले यूरोपियन अध्यक्ष का नाम क्या था जॉर्ज यूल अठारह अधिवेशन में गया था अठारह के अधिवेशन में सबसे पहली बार महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे तो 1901 के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे जहां पर उनकी शुरुआत जहां पर उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से होती है अच्छा आगे चलते हैं किस कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और दल टूट गए थे तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था किस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार जनगढ़ तो के अधिवेशन में गाया गया था याद रखेंगे चीज चीज भी तीसरी इंपॉर्टेंट किस अधिवेशन में दल गर्मदल और नरम दल वापस आ गए थे और पहली बार मुस्लिम लीग ने जो है पार्टिसिपेट किया था तो वो था 1916 का लखनऊ समझौता इसी 1916 के लखनऊ समझौता में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को मिलते हैं और गांधी जी को कहा के की, की बारे में बताते हैं तीन कटिया प्रथा चंपारण के बारे में बताते हैं ठीक है तो इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको डिटेल में बता दी पहला अधिवेशन पे हुआ था मुंबई में हुआ था याद रखेंगे तेजपाल एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था तेजपाल संस्कृत कॉलेज वहां पर हुआ था ठीक है पहला गांव अधिवेशन पे हुआ था तो याद रखेंगे फैजपुर में हुआ था पहला गांव का अधिवेशन किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी तो 1925 में सबसे पहली बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज के बारे में कौन सा अनुच्छेद का उल्लेख किया गया था पंचायती राज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी किताब स्वराज में दिया है और पंचायती राज का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता को अलग अलग हाथों में बांट देना अच्छा पंचायती राज को लेकर दो समिति बनाएगी एक समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति और दूसरी थी अशोक मेहता समिति नाम था अशोक मेहता समिति दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सबसे पहली चीज पूछा जाता है कि पंचायती राज भारत में कितने टायर सिस्टम है तो याद रखने के थ्री टायर सिस्टम है जिसमें सबसे जो नीचा वाला सिस्टम उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत और दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 40 में

ठीक है संविधान का जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत में किया जाता है और आर्टिकल 280 क्या बताता है दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बताता है किसके बारे में वित्त आयोग के बारे में बताता है तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको लेके बहुत सारी चीजें कही गई हैं सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों दो अक्टूबर सेकेंड ऑफ अक्टूबर नाइनटीन को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी सेकेंड ऑफ अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायत राज की शुरुआत हुई थी और हम पंचायत दिवस कब मनाते हैं कोई बताएगा मुझे अभी कुछ दिन पहले ही निकल के गया है पंचायती दिवस हम किस दिन मनाते हैं फटाफट बताइए पंचायती दिवस हम किस दिन मनाते हैं हाँ नेहरू जी के द्वारा हुआ था तो कुछ दिन पहले ही निकल के गया है भाई मेरे तो आंसर बनेगा दोस्तों कौन सा अप्रैल चौबीस अप्रैल को हम पंचायती दिवस मनाते हैं चौबीस अप्रैल को हम पंचायती दिवस मनाते हैं बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया अगला प्रश्न अनुच्छेद अठारह किससे संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद जो अठारह है वो भारतीय संविधान के भाग तीन का हिस्सा है कौन सा भाग तीन जो कि संवैधानिक फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है और दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये यूएसए से लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है बेसिक चीजें तीन मैंने बता दी आपको अनुच्छेद 18 कहता है कि जो भी उपाधियां किसी व्यक्ति को दी गई हैं, उसे समाप्त किया जाना चाहिए तो अठारह आर्टिकल कितना हो गया अठारह ओके उपाधियों का अंत छुआ छूत दो आर्टिकल 17 में आ जाता है और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आ जाता है और आर्टिकल 15 में भी आता है लेकिन ये प्रॉपरली लिखा नहीं हुआ है ठीक है आगे चलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह, कह सकता है संगठन बना सकता है तो आर्टिकल 19 के एबीसीडी बहुत सारे इसके आर्टिकल्स हैं ठीक है तो बेसिक बेसिक मैंने आपको चीजें यहां पर बता दी हैं आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो भी ओमआर सीट होती है जो भी ओ सीट होती है उसमें एम का मतलब क्या है पहले क्या होता था जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो ओ एमर सीट चलती थी जिस ओमर सीट में भरने के बाद आपको मोस्टली चीजें पता चलती थी ठीक है भाई मेरे बताओ भाई क्या बनेगा आंसर आंसर लगा है तो दोस्तों आंसर बनेगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर मार्कअप नहीं होगा मार्क होगा। मेक sure कि ये आपको प्रॉपरली पता हो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन विल बी द राइट आंसर तो गलती बिल्कुल ना करना भाई मेरे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है ठीक है आगे चलें अगला प्रश्न किस विटामिन की कमी से आंखों में समस्या होती है पहली चीज तो यह दोस्तों कि विटामिन की ही खोज किसने की थी तो विटामिन की खोज थी की थी कश्मीर फंक ने ठीक है याद रखना यह चीज किसने की थी कश्मीर फंक ने इसका नाम दिया था याद रखेंगे इसकी खोज की थी दूसरी चीज तो दूस विटामिन दूस के कारण आंखों में समस्या होती विटामिन दो तरीके के होते वाटर सोल्बर और फ्लैट फ्लैट फैट सोल्बर अच्छा विटामिन ए जो होता है वो वाटर सोलबल होता वो जो है वो फैट सोलबल होता है और इसी के कारण आंखों में समस्या होती है कौन कौन सी बीमारी हो सकती है तो आंखों में दो बीमारी आपको याद रखना है एक बीमारी होती है रतौंधी जैसे हम कहते हैं दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और जो दूसरी बीमारी है इसे कहते हैं जेरोथेलमिया क्या कहते हैं दोस्तों दोनों की दोनों बीमारियां आंखों की कमी में आंखों की समस्या प्रदान करती हैं विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है तो दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल क्या होता है रेटिनॉल कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेटिनॉल की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो भी आपको पता होना चाहिए एक तो है रतौंधी जिसे हम रतौंधी कहते हैं और दूसरी जो बीमारी है वो क्या है जेरो और जेरो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है बहुत सारी बीमारी होती है विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी और साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी जरूरी होता है विटामिन डी से अगर हम बात करें दोस्तों तो विटामिन डी से जो बीमारी होती है उसकी ये दो बीमारियां एक तो है रिकेट्स रिकेट्स इसके अलावा ऑस्ट्रियोमेलिस ऑस्ट्रियोमैलिस और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। और ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी त्वचा में बनता है इसके में बनता है शरीर के अंदर केवल दो ही विटामिन है जो शरीर के अंदर बनते हैं एक है विटामिन डी और एक है विटामिन के ठीक है भाई मेरे आगे चले अगला प्रश्न कुष्ट रोग उन्मूलन मतलब जो लेप्रोसी है लेप्रोसी एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है किसकी वजह से होती है दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से होती है तो लेप्रोसी के प्रयासों को खत्म करने के लिए या प्रयासों उन्मूलन कुछ लोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है सातवें का आंसर दीप ने सबसे पहले दिया है संदीप तिवारी ने आंसर दिया है शालू रावत ने आंसर दिया है और कोई भाई जो आंसर देना चाह रहे हैं है? इच्छा हो जिनकी प्रियंका ने आंसर दिया है आशीष ने दिया है प्रियंका शर्मा ने आंसर दिया है दो प्रियंका है प्रियंका कुमारी और प्रियंका शर्मा सॉली <laughs> <Sorry. laughs> आंसर बनेगा डॉक्टर धर्मशक्तु इज द राइट आंसर डॉक्टर धर्मशक्तु को राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान दिया गया है इनका पूरा नाम है डॉक्टर एन एस धर्मसक्तु तो डॉक्टर एन एस धर्मसू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लेप्रोसी को खत्म करने के लिए ये व्यक्ति आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं डॉक्टर एनएस धर्मशक्तु इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2090 और ये पूरे विश्व में दिया जाता है ठीक है भाई मेरे आगे चलें अगला प्रश्न किस व्यक्ति ने तैराक में ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एन ने ओलंपिक से पूछे हैं। थोक के भाव में अगर काउंट करोगे तो सौ से ज्यादा क्वेश्चन होंगे अच्छा भाई मेरे चलो ओलंपिक से अगर उसने क्वेश्चन पूछे भी हैं तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं किस व्यक्ति ने तैराकी में ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं तो देखो यार कुछ भी नहीं करना है आपको जिस व्यक्ति ने जीता उसका उसका एक निकनेम है जिसका नाम है बाल्टी मोर बुलेट ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस खिलाड़ी को बोल्टी बुलेट के नाम से जाना जाता अब है अब बोल्टी क्यों क्योंकि बोल्टी मोर उस उस, उस, उस क्लब का नाम है जिससे ये व्यक्ति बिलोंग करता है यूएसए के रहने वाले हैं और अब तक टोटल 28 साल की उम्र है और अब तक टोटल और टोटल 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं कितने गोल्ड मेडल 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और इनका नाम है माइकल फेलप्स और इन्हें फ्लाइंग फिश भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों तो फ्लाइंग फिश भी कहते हैं उड़ती हुई मछली भी कहा जाता है बहुत ही बढ़िया है और यूएसए के हैं अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में भारत ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था उन्नीस पहला ओलंपिक अठारह एथेंस ग्रीस में और भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में खेल में जीता पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल के डी यादव ने जीता था जो कि कुश्ती में था तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी मैंने बता दी बाकी आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ ये है देखो माइकल फेलप्स देख रहे हैं आप कितने सारे गोल्ड मेडल टांग रखे हैं इनकी जितने टोटल गोल्ड मेडल हैं इतने पूरे भारत के गोल्ड मेडल नहीं है जितने गोल्ड मेडल इस व्यक्ति ने अकेले जीत रखे हैं ठीक है याद रखना दो नाम है इनके कौन कौन से बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश मरकरी का अयस्क क्या होता है वॉट इज मरकरी आशीष ने लिखा है इनके हैंड्स नीचे नीचे तक पहुंचते हैं इस वजह से इन्हें प्लस पॉइंट मिलता है स्विमिंग में बहुत ही बढ़िया ये बात सही कह रहे हैं देखो हम लोगों के जो हाथ है ना ये हमारे हाथ घुटने के ऊपर तक ही रहते हैं आप कभी भी देखोगे आप कभी भी देखोगे हम लोगों के जो हाथ है वो घुटने के ऊपर तक ही रहते हैं लेकिन ये भाई साहब ऐसे हैं जिनके हाथ नीचे तक रहते हैं तो जब भी आप स्विमिंग करोगे तो एक लंबी एक ज्यादा फोर्स आपका लगेगा जिससे पानी पीछे तरफ जाएगा तो आंसर है क्वेश्चन पहले समझ लो मरकरी का एस क्या है मरकरी बोले तो एच जी और एच जी का एस क्या होता है दोस्तों थर्टीन पॉइंट सिक्स इसकी जो है डेंसिटी होती है क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे हम पीबीएस बी कहते हैं बिल्कुल सही है पीबीएस बी कहते हैं सिनेबार को लेड का एस होता है वो पीबीएस जो है गैलेना ये वाला ठीक है थीके? मरकरी का सिनेमार होता है मोनोजाइड दोस्तों थोरियम का होता है मोनोजाइड किसका होता है थोरियम को होता और सबसे ज्यादा बॉक्साइड किस राज्य में पाया जाता है उड़ीसा में पाया जाता ठीक है समझ में आ गया आगे चले अगला प्रश्न सत्यमेव जयते कहा से लिया गया है ये तो आसान सा प्रश्न आपको पता ही होगा कि सत्यमेव जयते कहा से लिया गया भगवत गीता से लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है कहा से लिया गया पता भैया विकास के आंसर बनेगा गौ गोविंद बताइए आंसर बनेगा सालू संदीप डीजे लिखन सादिया आसिम विकास ने आंसर दे दिया है कविता रा, राहुल अटवाल ने आंसर दिया है दीप दीप देव तिवारी ने आंसर दिया है गोविंद ने दिया है सुरसुरी ने दिया है शिवशंकर ने दिया है दिशा लाड़े ने आंसर दिया है डीजे ने दिया है मनोज ने आंसर दिया है एनी यस गोविंद ने आंसर दिया है मुंडोक उपनिषद इज द राइट आंसर ठीक है उपनिषद इज द राइट आंसर कभी आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है तो याद रखना दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है हमारा ऋग्वेद ऋग्वेद से रिग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो कि सूर्य को समर्पित है ठीक है भाई आगे चलें अगला हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल इन विच स्टेट हॉर्नबिल जो त्योहार है वो किस त्योहार किस किस जगह पर मनाया जाता है तो दोस्तों असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका नाम है बिहू त्योहार रंगोली बिहू भी, भी कहते हैं और बिहू भी, भी कहते हैं एक ही बात है ठीक है इसके अलावा नागालैंड है मणिपुर है और मिजोरम है कहां पर हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है कुछ दिन पहले असम में भी मनाया गया था अलग अलग स्टेट मनाया था लेकिन मुख्य रूप से इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं जो की नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है मणिपुर से पूछा जाता है कि संघाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो वो कि मणिपुर में मनाया जाता है संघाई है हिरण का नाम है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय राज्य की विजय पशु माना जाता है तो नागालैंड से क्या रख देना है फेस्टिवल 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 ऑफ भी कहते हैं इसे अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द सोडा वाटर इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो सोडा वाटर में पाई जाती है देखो दोस्तों सोडा वाटर क्या है कुछ भी नहीं है सोडियम बाइकार्बोनेट को तो सोडा कहते हैं उसी में और चीजें मिला दो उसी को क्या कह देंगे है? सोडा वाटर अच्छा सोडा वाटर क्या है मिनरल वाटर है जिसमें एक गैस मिलाने के बाद वो सोडा वाटर बन जाता है तो आंसर क्या बनेगा कौन सी गैस मिला रहे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने के बाद वो सोडा वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए

अट्ठारह के बाद चार जोड़ दो हजार बाईस फीफा वर्ल्ड कप जो दो हजार बाईस वाला सेगमेंट जो है वो कहां पे होगा तो याद रखना दोस्तों ये होगा हमारा कतर में तो फीफा वर्ल्ड कप आने वाला कौन सा है कतर फीफा कतर ये आने वाला है और 2018 में कहां पे हुआ था तो दोस्तों रशिया में हुआ था कौन जीता था फ्रांस जीता था अभी पूछ लिया जाए कि विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018 तो फ्रांस विल बी द आंसर सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फीफा कौन सा देश है? तो जीता, है जीता है तो याद रखना सबसे ज्यादा फीफा जीता है कितने बार जीता है टोटल तो पांच बार जीता है कितने तो बार जीता है टोटल पांच बार जीता है ठीक है सबसे पहले फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था 1904 में लेकिन लगातार नियमित रूप से 1916 के बाद हो तो गया था ठीक है भाई मेरे याद नहीं है ये चीज फ्रांस बना था क्रोएशिया को हरा बिल्कुल आगे चलें <coughs> क्या वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या अब सही है जरा बताओ मुझे अभी आवाज़ एकदम साफ है आवाज़ एकदम क्लियर है बताओ जरा तो दोस्तों रशिया में 2018 में हुआ था है ना याद रखेंगे सभी लोग आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होना है कतर में होना 2014 का ब्राजील में हुआ था ठीक है हेलो जी ओके okay. जी हाँ 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 ओके ओके आ, ओके ओके आपका नाम क्या है सर ओके सुभाष मैं अभी क्लास ले रहा हूँ इन विट मैं तुमसे थोड़ी दिन बात करता हूँ ठीक है ओके okay, आगे चलें अगला प्रश्न द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कोरल रीफ आर फाउंड इन विच कंट्री क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा कोरल लीव किस देश में पाया जाता है इंडिया में श्रीलंका में मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया में किस देश में सबसे ज्यादा कोरल लीव पाया जाता है विकास लिख रहे हैं गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया भाई गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं है भाई सुबह का कॉल है कोई ऐसी गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं जिसका नाम सुभाष हो आई थिंक सो ठीक है वैसे तो आजकल के जमाने में कुछ भी हो सकता है सुभाष भी गर्लफ्रेंड बन सकते हैं लेकिन ऐसा <laughs> सिस्टम हमारे पास नहीं है है आंसर क्या बनेगा ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर सबसे अदर 7.17% कोरल लीप ऑस्ट्रेलिया में क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है ठीक है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन और एससीओ है ना तो बताइए भाई क्या आंसर बनेगा आपके हिसाब से व्हाट कोरल बच्चे वर्ल्ड बैंक बता रहे right right जो है वो, संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है आप क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड बैंक का निर्माण एक समझौते के तहत हुआ था जिसका नाम था ब्रेड एंड बुट्स समझौता क्या नाम था दोस्तों

क्या नाम है इनका डेविड मालपास हेड है हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एडवाइजर कौन, कौन है ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एडवाइजर का नाम है गीता गोपीनाथ मुंडे क्या नाम है इनका गीता गोपीनाथ मुंडे याद रखना ठीक है भाई मेरे अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं चलो आगे चलते हैं पहले इसको बाद में बात करें न्यूजीलैंड 2019 में और 2018 में इस में पहले नंबर पर रहा है तो 2019-2018 का ये डेटा है नीति आयोग वॉज फॉर्मड इन विच ईयर नीति आयोग का निर्माण किस वर्ष में किया गया था दोस्तों नीति आयोग के बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो पूछी जाती है अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री मोदी जो भी प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार क्या नाम है इनका राजीव कुमार नीति आयोग के सीईओ का क्या नाम है तो दोस्तों सीओ सीईओ है अमिताभ कांत क्या नाम है इनका अमिताभ कांत याद रखना ये सीईओ हैं है नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था 2015 में तो दोस्तों एक जनवरी 2015 के दिन इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये किसकी किसकी जगह पर आया था सबको पता है प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है अगला प्रश्न विश्व ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है सबसे पहले अनवृ पनगढ़िया थे बिल्कुल से और ये तुम लोग लाइक नहीं करते हो पचास पचास बच्चे देखने लग जाते हैं लाइक नहीं बढ़ते हैं बहुत ही कंजूसी हो रही है आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हेल्प मांग रहे हैं और जितनी सहायता जितनी जरूरत हो सकती है जितना कर सकते हैं लोगों की हेल्प करी जाती है मैं भी पर्सनली हेल्प करता हूं सभी लोगों की लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि जो लोगों को हेल्प मिल जाती है जो सही हो जाते हैं वो बाद में अपना प्लाज्मा कभी भी डोनेट नहीं करते हैं ये बहुत ही गलत चीज है आप लोग प्लाज्मा डोनेट करिए हो सकता है किसी व्यक्ति की जान बच जाए देखो भाई आंसर क्या बनेगा आउटपुट डिवाइस नहीं है आउटपुट डिवाइस आउट के सारे के सारे आउट सी राइट आंसर अगला प्रश्न विच ऑफ लिंक ऑल द एम्स इन इंडिया भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो सभी एटीएम को आपस में जोड़ के रखता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देखो अब अगर आपकी यहाँ किसी भी बैंक से आप पैसा निकालोगे आपके बैंक से कटेगा निकालो चाहे पंजाब से निकालो चाहे कोई भी बैंक से पैसा निकालो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा क्योंकि दुनिया भर के जितने भी एटीएम टी है भारत में वो सभी एटीएम आपस में लिंक्ड हैं आपस में जुड़े हुए हैं हर बैंक को सेंट्रल सीबीएस सिस्टम के तहत जोड़ा गया है और ये जोड़ने का काम करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सॉरी एनटीपीसी में पूछा गया था दो फरवरी को और सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएससी दो हजार में भी पूछा गया था तो देखिए अब आजकल ग्रुप डी के पेपर में या फिर एनटीपीसी के पेपर में यूपीएससी के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं ठीक है आगे चलें अगला प्रश्न इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंस्टीट्यूटेड इन विच लेटमोस्फियर हमारे वायुमंडल के किस लेयर में लेस जो है वो स्थापित किया गया है आई एस एस क्या है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस यूरोपियन एजेंसी की जो थी संस्था रशिया इन बड़े बड़े देशों को मिलाकर एक कॉमन स्पेस स्टेशन बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस स्पेस स्टेशन पर कोई भी देश जा सकता है कोई भी देश जाकर रोक सकता है और यह जो है स्थापित किया गया था में, पे स्थापित किया गया था में स्थापित किया गया था, विल बी द राइट आंसर नो नहीं है भाई मेरे थर्मो इज द राइट आंसर नो मत बोलो थर्मो इज द राइट आंसर ठीक है थर्मो इज द राइट आंसर आगे चलें आ, गई पानी में तो कौन कौन से देशों ने इसको मिलके बनाया था इसका निर्माण हुआ था 1998 में, में कौन कौन से देश थे यूएस था रशिया था कनाडा था जापान था और ये सभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अलग अलग जगह पर इसके सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के और इन सेंटरों में क्या है इन सेंटरों में लोगों को अलग अलग चीजें सिखाई जाती स्किल्ड वगैरह सिखाई जाती है ठीक है हाँ रशिया फिर से स्टेब्लिश कर रहा है बिल्कुल सही है एक मिनट बंद हो गया था ये

काराकुरम रेंज कहा पे यही पर है अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये काराकोरम जो दर्रा है वो कहाँ पर है गुड इवनिंग भाई दुर्गा तो कारगिल बच्चे बता रहे हैं डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग ले आंसर दे रहे हैं कुछ लोग कारगिल आंसर दे रहे हैं मतलब तो तो ये क्या आंसर बनेगा कारगिल है या फिर तो ले है किस जगह पर काराकोरम दर्रा स्थित है किस जिले में स्थित है तो दोस्तों सबको पता है कि लद्दाख में दो ही जिले एक तो कारगिल है दूसरा लेह है और राइट आंसर क्या बनेगा लेह बिल बी द राइट सर तो ये जो दर्रा है ये ये कारगिल का और ये लेह वाला पार्ट है तो लेह में ये दर्रा मौजूद है ठीक है भाई मेरे ये लेह है और यहीं पर मौजूद है काराकोरम दर्रा ठीक है भाई आगे चलें इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है इन व्हिच मुगल रूलर रेन ब्रिटिशर्स गॉट द परमिशन टू एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री तो एक व्यक्ति का नाम याद रख लो रख लो कि एक व्यक्ति था जो 1500 एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार नाम था उसका टॉमस रॉ क्या नाम था उसका नाम टॉमस रॉ और राजदूत थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ना, ना क्राउन के जो है राजदूत थे ये भारत में आते हैं और सबसे पहली फैक्ट्री डालने के लिए जो है इनके दरबार में जाते किसके दरबार में जहांगीर के दरबार में जाते तो राइट आंसर क्या बनेगा बी आंसर बनेगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला जो व्यक्ति है जो कौन आया था तो कैप्टन हॉकिंस याद रखना वो सबसे पहले भारत में आए थे उन्होंने तुर्की भाषा वगैरह बात की थी इसलिए उनको इंग्लिश कहा की उपाधि भी दी गई थी तो आंसर बनेगा टॉमस राउट किसके दरबार में आए थे जहांगीर के दरबार में बाबर हो नहीं सकता शाहजहां हो नहीं सकता अकबर अकबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था तब थे ठीक है भाई तो आ, आ, राइट आंसर क्या बनेगा हमारा एम्पर जहांगीर आगे चले सोलह सो पंद्रह में आए थे ये भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट अर्ब अर्बेनाइज स्टेट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम शहरीकृत राज्य है सबसे कम शहरीकृत राज्य शाहजहां टॉमस रॉ आफ्टर कैप्टन हॉकिंस बिल्कुल सही है विकास बहुत ही बढ़िया बेटा आंसर दो आगे विकास ने आंसर दिया है सिक्किम सादिया कह रही है ए आंसर होगा जो कि बिहार राइट आई कोई है वो डी बता रहे जो की सिक्किम है आ, सिक्किम 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 बिहार सिक्किम बिहार सिक्किम सबका गलत है हिमाचल प्रदेश राइट राइट आंसर हिमाचल प्रदेश right दोस्तों दो सेंसेस हुए हैं एक हुआ था 2001 एक में एक हुआ था 2011 में इन दोनों ही सेंसेस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आबादी जो गांव में रहती है वो है अर हिमाचल प्रदेश क्या बनेगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है बिहार तो पहले नंबर पर जहां गांव में सबसे ज्यादा आबादी है वो हिमाचल प्रदेश है और दूसरे नंबर पर क्या है बिहार इज द राइट आंसर ठीक है भाई तो हिमाचल प्रदेश में सबसे जो है कम जो है लीस्ट ऑर्गेनाइज स्टेट रहा है अगला प्रश्न कान्ना नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित था ये जहर वगैरह मत खाओ यार कमेंट बॉक्स में है पता पड़े अभी हमको भी पुलिस उठा ले जाए कि ये टीचर जो है लोगों को जहर खाने के लिए उकसा रहा है आंसर आने लगा है बहुत ही तेजी में आंसर बढ़ रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है वहीं पर काना नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क है माधवगढ़ नेशनल पार्क है क्या आंसर बनेगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ठीक है भाई मेरे अच्छा मध्य उत्तर प्रदेश में ने ने नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया राजस्थान में तो बहुत सारे हैं रथंबौर नेशनल पार्क है गुजरात में गिर नेशनल पार्क है कच्छ का रण है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क है है ना पेंच नेशनल पार्क है और कान्हा नेशनल सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पन्ना है बांधावगढ़ है बिल्कुल सही है अगला ऑब्जेक्ट डू नॉट देयर ओन लाइट अब आपको ये क्वेश्चन है ये ग्रुप डी वाले स्टार्ट हो गए हैं ठीक है अब यहां से जो क्वेश्चन हैं आपके ये सारे के सारे ग्रुप डी वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं तो जो भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये ऐसी वस्तुएं जिनको जो स्वयं के प्रकाश का उत्पादन नहीं कर सकती हैं उन्हें क्या कहा जा जा जाता है जैसे कि जो चांद है जो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है ये चांद की खुद की रोशनी नहीं है वो गाना सुना होगा चांद सा महबूबा हो मेरी लाइक तो जो चांद है इसकी खुद की रोशनी नहीं होती बल्कि जब सूरज जलता है तो फिर इस पर रोशनी पड़ती है और वहां से जलता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ए विल बी द राइट आंसर अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है द लिक्विड दैट इज़ यूज़ टू कंडक्ट द करंट ऐसे लिक्विड जो करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि आ, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सारे कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो बैटरी में उपयोग किया जाता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ठीक है इसकी बात हो रही है H2SO4 तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों इससे हम कहां यूज करते हैं बैटरी में यूज करते हैं तो बैटरी में यूज करते हैं मतलब करंट पास हो रहा होगा तो एनी ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स डी विल बी द राइट आंसर है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहते भाई मेरे प्रियंका और पुष्पेंद्र दुर्गा ये सब आंसर गलत दे रहे हैं सत्यनारायण सत्य त्या रंजन रे डी आंसर बता रहे हैं देव डी आंसर बता रहे हैं प्रियंका डी आंसर बता रही है सुमित डी आंसर बता रहा है डीजे डी आंसर बता रहा है द आंसर विल बी इलेक्ट्रोलाइट इज द राइट आंसर अगला प्रश्न द मोशन ऑफ एन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन क्या है कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है कोई भी जो बॉडी है ये नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रही है नीचे की तरफ जा रही है तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है किस तरीके का उदाहरण है पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलेट एक्सेलरेटेड मोशन देखो आज रात में नौ बजे मैंने आज एक क्लास लगाऊंगा वो क्लास होगी जितने भी आर्टिकल पूछे गए हैं जितने भी आर्टिकल आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज की रात वाली क्लास में सो so, आज की आर्टिकल वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें बहुत ही बढ़िया पॉलिटी क्लास होने वाली है रात में नौ बजे के लगभग मैं क्लास लगा दूंगा और नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपको आप देख लेना ठीक है आंसर क्या बनेगा भैया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज द राइट आंसर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन आप सबको पता है कि जब केवल मैग्नेट केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है दोस्तों वो सभी स्केलर क्वांटिटी जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी में किसी भी जगह पर लाने ले जाने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है YouTube पर ही होगी क्लास क्लास YouTube पर ही होगी आर्टिकल वाली क्या आंसर बनेगा दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है तो आंसर बन जाएगा हमारा वर्क वर्क इज द राइट आंसर इसकी यूनिट क्या होती है जूल होती है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है बी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न विच ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर इनमें से कौन सी यूनिट प्रेशर की है हाँ सदिश राशि और अदिश राशि कहते हैं बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया कोई करावल नगर से जुड़ा हुआ है हमारे साथ में दिल्ली में है वही ये लड़के एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल न्यूटन के जी मीटर पर सेकेंड और डाइन ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ़ प्रेशर पास्कल न्यूटन के जी मीटर पर सेकेंड और डाइन तो पास्कल इज द राइट आंसर इज द राइट आंसर इसके अलावा प्रेशर की यूनिट दोस्तों बार भी होती है और इसके अलावा प्रेशर यूनिट दोस्तों टॉर भी होती है तो चाहे टॉर ले लो चाहे बार ले लो और चाहे पास्कल ले लो एक ही बात है, ठीक है मेटल ऑक्साइड इनमें से कौन सी ऐसी चीज है ना कौन सा स्टीम है रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ जुड़ने पर स्टीम करने पर ये जो है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है याद रखने ऑक्साइड बनाता है तो आप सबको पता है कि रस्टिंग कैसे होती है रस्टिंग समझते हैं ना जंग लगना तो जब जंग लगती है तो वो भी क्या है मेटल ही है और जो जंग लग रहा है वो क्या है मेटल ऑक्साइड ही है सो तो आयरन गिलइट आयरन बिल बी द राइट आंसर भाई मेरे पोटेशियम ये सब नहीं होगा आयरन बिल बी द राइट आंसर सेना को मजबूत करने के लिए किस शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी तो आपको ये बताना है कि सेना को सुदृढ़ करने के लिए मजबूत करने के लिए मनसबदारी जो प्रथा थी वो शुरुआत की गई थी शुरू की गई थी इस शासक के द्वारा आप सबको पता है कि जब भी हम बात मनसबदारी की करते हैं तो मनसबदारी में दो तरीके की चीजें होती हैं एक को हम कहते हैं जात और एक को हम क्या कहते हैं सवार तो दो चीजें आपको याद रखनी है 1 पॉइंट इज जात एंड अदर अदर पॉइंट इज सवार जात और सवार अच्छा जात क्या बताता दोस्तों रैंक बताता था और सवार क्या बताता था सवार यह बताता था कि उसके पास कितने घुड़सवार हैं दो चीजें आपको याद रखनी है इसके अलावा ये प्रथा शुरू की गई थी अकबर के द्वारा सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय पे थे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय पे थी जिसे हम जिंदा पीर भी कहते हैं अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया जजिया कर लगाया जजिया कर को हटाया गया अकबर के द्वारा जो है वो पंचमहल अकबर के द्वारा आगरा का किला बनाया गया अकबर ने और क्या क्या चीजें की थी बताओ बट आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे अकबर ने खुद अपने हाथों से मारा था तो अधम खां था जिसे खुद अपने हाथों से मारा था ठीक है अकबर ने क्वेश्चन तो आसाफ खान लड़ने आया था तो हल्दीघाटा का युद्ध याद कर पंद्रह सौ छिहत्तर जोधा भाई का मा का मतलब हर का भाई था ठीक है भाई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया गया है क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा मिनिस्ट्री है मंत्रालय है या फिर संगठन है जो नवोदय विद्यालय और साथ साथ में केंद्रीय विद्यालय को देखता है दोस्तों राइट right आंसर क्या बनेगा तो नवोदय विद्यालय क्या है शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें कौन देखेगा डेफिनेटली है मानव संसाधन मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दी गई है ये चीज भी आप याद रखना दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम हो चुका है तो नवोदय विद्यालय अठारह में सब इनकी शुरुआत चौरासी में इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी राजीव गांधी के द्वारा मैं भी इसमें पढ़ा हुआ हूँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट The time taken by an object to complete one oscillation. Take a minute. Okay. The time taken by an object to complete the one oscillation is termed as amplitude, time period, distance or frequency. सुमित ने आंसर दिया है कविता ने आंसर दिया है दुर्गा ने आंसर दिया है एक साइड हो जाए अच्छा भाई एक साइड हो जाते हैं बता भाई क्या बनेगा आंसर तो दोस्तों एक होता है सेकेंड पेंडुलम क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है तो दो सेकेंड टाइम पीरियड होता है सेकेंड पेंडुलम का ठीक है और एक ऑक्सीनेशन को पूरा करने को हम कहते हैं टाइम पीरियड सो बी विल बी द राइट आंसर सी आई आई का फुल फॉर्म क्या है वॉट इज द फुल फॉर्म आई आई वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी आई आई बताओ भैया क्या बनेगा फुल फॉर्म इसका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कमिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज कंसिलेशन इन इंडियन इंडस्ट्रीज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज सर आप आपका डी कैमरा कितने का है बड़ा मस्त है अच्छा पता नहीं है मुझे तो नहीं पता ही कितने तो का डी कैमरा है क्योंकि ये तो मैंने ख़रीदा नहीं है ये तो अनएकेडमी ने ही दिया है ठीक है कैमरा है डिजिटल बोर्ड है जो जितने भी सेटअप है सब अनएकेडमी का दिया हुआ है तो लेकिन फिर भी शायद दो दो के आसपास होना चाहिए वन पॉइंट फाइव के आसपास वन पॉइंट फाइव से टू के आसपास की कीमत होनी चाहिए तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज द राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर ठीक है एक वस्तु चार सेकंड में बाईस मीट मीटर और दो सेकंड में पंद्रह मीटर की दूरी तय करती है वस्तु की औसत चाल कितनी होगी दीप टैलेंट कह रहे हैं सर मुझे दे दो भोजपुरी नाम बनाऊंगा यूट्यूब से कोई कमी कमाई नहीं होती है दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाता है उसे यूट्यूब बहुत सारा पैसा देता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यूट्यूब से बहुत ही कम कमाई होती है बल्कि कहूँ तो ना के बराबर जो असली कमाई होती है वो होती है मतलब जो अस, असली जो किसी एक तो प्रमोशन जो यूट्यूब लोग चलाते हैं वो प्रमोशन करते हैं आपने देखा होगा कि बीच में जो बताते रहते हैं कि ये ऐप यूज कर डाउनलोड करिए ये चीज डाउनलोड करिए उनकी वो असली कमाई होती है यूट्यूब से कोई खास पैसा नहीं आता है तो एक वस्तु चार सेकंड में बाईस मीटर और दो सेकंड में पंद्रह मीटर की दूरी तय करती है तो बारह पंद्रह थर्टी सेवन अपॉइंट सिक्स कर दो तो ये मीटर पर सेकेंड वैसे ही लग रहा है आंसर बी विल बी, बी, बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेन टू दी पावर थ्री के जी मीटर मीटर पर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज एट पॉइंट नाइन इंटू टेन थ्री मीटर के जी मैट मीटर क्यू दे रिलेटिव कॉपर इज फास्ट इस बार इस बार किस कितनी रखा है मेरे पता नहीं क्या लिखा है राहुल डी आंसर दे रहे हैं दुर्गा सी आंसर दे रही हैं। देखो दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है रिलेटिव डेंसिटी ये होती है डेंसिटी ऑफ दैट अमाउंट या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ठीक है ऐसे याद कर लो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा एट पॉइंट नाइन है इंटू टेन टू दी पावर थ्री है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है टेन टू अवर थ्री है ये कट गया आंसर कितना आ गया एट पॉइंट नाइन ठीक है प्रश्न कोई पता नहीं कौन सी मूवी बना रहे हैं लड़के <laughs> तुम तो मूवी बनाओ दीप बिहार में कोरोना मुगल शासक अकबर का जन्म कहां पे हुआ था बता भाई आशीष ने आंसर दिया है सबसे सही दीप ने आंसर दिया है सत्य रंजन रे ने आंसर दिया है राहुल ने दिया है अमरकोट इज right अमर पर जम्मू कश्मीर में है ठीक है जम्मू कश्मीर के राजा थे और अमरकोट में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था तेरह वर्ष की उम्र में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तेरह वर्ष की उम्र में यहीं से इनका जो है राज्यभिषेक हुआ था बैरम खां की मदद से बैरम खां की अगला प्रश्न पौधों में किस चीज के द्वारा मतलब किस फेनोमेना के द्वारा अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद होती है तो आप सबको पता है कि जब भी कोई भी पौधा होता है ये इसकी जड़े हैं ये इसके पौधे हैं और इस पौधे की जड़ों से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ये पत्तियां हैं और इन पत्तियों से पानी बाहर निकल जाता है जैसे जितना पानी बाहर निकलता जाता है उतना ही पानी जमीन से ऊपर की तरफ जाता है इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं कहते भैया ट्रांसप्रेशन कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो केवल फूड प्रोडक्शन को कहते हैं लेकिन पानी जब बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसे हम ट्रांसप्रेशन कहते हैं ठीक है? समझ में आ रही बात सर जी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं कराएगा होगा एग्जाम ग्रुप डी का भाई दुर्गा का है टेंशन ले रही अभी तो मैंने बताया आपको कि ये एग्जाम जून के लगभग शेड्यूल्ड होगा अब अभी जिस तरीके से हालात हैं उस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कोई भी एग्जाम हो क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि भैया अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम के चक्कर में सौ लोगों की नौकरी लगनी है और उस सौ लोगों की नौकरी के चक्कर में एक भी व्यक्ति की अगर जान चली गई तो वो बेकार है सब ठीक है तो जान है तो जहान है आप जिंदा रहोगे आप सुरक्षित रहोगे आप स्वस्थ रहोगे तो हजारों नौकरी कर लोगे लेकिन अगर स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो ऐसी नौकरी का कोई मतलब नहीं ठीक है भाई मेरे तो इसीलिए इस चीज को बार बार मत कहें कि सर कब एग्जाम होगा जब एग्जाम होना होगा तो एग्जाम होगा मैंने आपको बता दिया जून के लगभग एग्जाम हो यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में एक मीटर की दूरी तय की जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाया गया एक दिशा में एक मीटर की दूरी तक उसे डिस्प्लेस किया गया उसे जो है वो स्थापित किया गया तो कुल कितना कार्य होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कितना कार्य होगा भाई बताओ फटाफट क्या आंसर बनेगा तो दोस्तों वन इंटू वन वन जूल इज द राइट आंसर है ना एक इंटू एक वन का मल्टीप्लाई वन में कर दो क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है वर्क बराबर तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दो अगला प्रश्न आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों आरबीआई की अगर हम बात करें तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीआई का निर्माण नाइनटीन में किया गया ठीक है पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है यस yes. किताब का नाम है आई डू व्हाट आई डू क्या किताब का नाम है सी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर इंडिया इंदिरा गांधी राय के द्वारा जरा यह बताओ इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है बोलो भाई कमेंट करो फटाफट किसका कमेंट सबसे पहले आएगा हाँ यहाँ पे मैं बता रहा था आरबीआई के बारे में आरबीआई का आरबीआई संस्था का निर्माण हिल्टन आयोग की सिफारिशों पर किया गया 1935 में किया गया आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉन स्मिथ आरबीआई को पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहते थे भारत आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सी डी देशमुख आरबीआई के वर्तमान हैं शशिकांत दास उसके पहले उर्जित पटेल और उसके पहले कौन थे रघुराम राजन ठीक है भाई मेरे बात समझ में आ रही है आगे चले अगला प्रश्न द जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सोलूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सी यू फोर में जिंक डाल दिया है कल भी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू ये बताया था कि जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होती है वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक के जिंक को आपस में रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या बने बोलो भाई वॉट विल बी द राइट आंसर तो अगर यदि हम कराएंगे तो क्या बनेगा एक तो ये बन जाएगा जेड एसओ फोर प्लस क्या हो जाएगा जेड एसओ फोर प्लस क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर ठीक अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें से किस एलिमेंट के पास में आउटर मोस्ट में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है एटॉमिक नंबर तेरह देखो किसका है पहले में दो चले गए दूसरे में आठ चले गए आठ और दो दस बचे कितने है? तीन तो तीन इलेक्ट्रॉन बच गए हैं इसीलिए बैलेंसी भी इसकी कितनी होती है तीन होती है तो तीन बैलेंसी को हम कैसे लिखते हैं ए पॉजिटिव आंसर क्या बनेगा दोस्तों एल्यूमिनियम विल बी द राइट आंसर कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है प्लस टू होती है और ये तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं राइट अगला प्रश्न उतक का निर्माण इनमें से किस उतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है आपको ये बताना है कि इनमें से किस उतक का निर्माण जो डेड सेल होती हैं उनके कोलोब्रेशन से होता है उनके संयोजन से होता है पेरन काइमा, कॉलन काइमा और एरन काइमा। क्या आंसर बनेगा दोस्तों बताओ फटाफट पेरन काइमा, कॉलन काइमा और एरन काइमा। और आज रात वाली क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें हम जितनी भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में और सीएचएसएल में सारे आर्टिकल एक ही क्लास में खत्म कर देंगे तो जिन भी भाई साहब को आर्टिकल में बड़ी समस्या होती है याद नहीं होते हैं उनके लिए बहुत ही रामबाड़ क्लास होगी है तो स्कलरन इज द राइट आंसर ये डेड सेल का बना होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों लिग्निन कहते हैं ठीक है और पौधों में कठोरता यही देता है पौधों में कठोरता प्रदान करता है याद रखना कौन करता है स्कन कॉलिन कॉलन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है पौधों को लचीलापन प्रदान करता है एरन कायमा की बात करें तो एरन कायमा या फिर पैरन कायमा पैरन कायमा पौधों को जो है वो तैरता हुआ बनाता है जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में दिस और दिस प्राप्त होते हैं बताइए जरा एसिड जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ में है एच को ले लो एम जी मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में इसको क्या बनेगा तो ये क्लोरीन इससे आगे जुड़ जाएगा तो ये बनेगा एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड अपने आप में छार होता है अपने आप में क्या होता है सॉल्ट होता है भाई क्या होता है सॉल्ट होता है और साथ में क्या बनेगा एम जी सी एल टू तो यहाँ दो लगा दिया जाएगा और साथ में वाटर एच टू ओ बन जाएगा तो ये देखो ये बनना चाहिए <laughs> दी लिख रहे हैं यहां सही बात है आर्टिकल याद करने का रामबाण इलाज आज जुड़े साढ़े नौ बजे <laughs> लिखा होता तो ना दीवारों में बड़े बड़े शनिवार रविवार को मिले रामबाण इलाज के साथ में बाबा सीर का रामवाण इलाज शनिवार रविवार इतवार सुबह साढ़े नौ बजे <laughs> तो चार और जल इज द राइट आंसर <laughs> लड़के बहुत क्रिएटिव है भाई फुलरीन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फुल किस चीज का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है <laughs> दिस इज कॉल्ड द पनीशिया सही बात है सभी रोगों का इलाज हो जाता है है ना कभी कभी आप ट्रेन में जाओ तो लिखा होता है कि आ, किसी तरीके का संकट हो लव लव क्या कहते हैं प्रेम विवाह हो है ना कलेश हो इन सभी चीजों के लिए मिले संत जो है बहुत ही अद्भुत मायावी बाबा फलाना 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 है ना कार्बन इज राइट आंसर सी विल नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो कार्बन के और कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं डायमंड कार्बन का ही अलोट्रॉप होता है और एक और होता है ग्रेफाइट ये भी इसी का ही एलोड्रॉप होता है फुलरिन का फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो सी सिक्सटी होता है फुलरीन का फॉर्मूला ठीक है तो वो कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है नेचर में मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कार्य करें

इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर राइट आगे चले अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो भाई निम्नलिखित तो में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भाई ये तो बहुत ही आसान है पहली जो गैस है उसी में दो इलेक्ट्रॉन होंगे निष्क्रिय गैस पूछी गई है तो आंसर क्या बनेगा हीलियम बनेगा और ना हीलियम का उपयोग हम क्या करते हैं गुब्बारे में करते हैं और साथ साथ में आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है राइट जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो लोग जो है जो लेके जाते हैं जमीन के अंदर उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है हीलियम गैस मिलाई ही जाती है अच्छा एक भाई साहब हमसे कह रहे हैं मतलब एक भाई साहब से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि यार ऑक्सीजन की देखो लगातार कमी हो रही है तभी हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है इन जनरली जो वायु है जो एयर है उसमें ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन होती है है कि नहीं है ट्वेंटी वन परसेंट के अराउंड में होती है तो लेकिन अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओगे तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है फिफ्टी परसेंट होता है सिक्सटी परसेंट होता है सेवेंटी फाइव परसेंट होता है तो वो डिफरेंस समझिए ऐसी बेवकूफी की बातें मत करिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीज द रेट ऑफ एवॉपरेशन बताओ भाई क्या बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीज द रेट ऑफ इवॉपरेशन देखो दोस्त इवॉपरेशन का मतलब है कि एयर सॉरी वाटर का एयर में कन्वर्ट होना है जो वाटर वगैरह होता है जो पत्तियों से पानी निकलता है उसे हम इवॉपरेशन कह सकते हैं फिर जो कपड़े सूखते हैं उसे भी इवॉपरेशन कहते हैं अगर तेज हवा चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे मतलब ये तो सही है है ना ये तो इंक्रीज करेगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा शर्ट को तुम ऐसे फैलाओगे जल्दी शर्ट सूखेगी सीधा फैलाओगे कम समय समय ज्यादा ज्यादा लगेगा मतलब ये भी 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 इंक्रीज करेगा ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर देगी अगर कहीं पर भी, अगर कहीं कहीं पर पे आर्द्रता है नमी ज्यादा है ऐसे क्षेत्र में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं राइट तो ये चीज याद रखते हो इसको याद कर लो आप कि भाई कपड़े सुखाना है का मतलब क्या है कपड़े सुखाना है कहां पे कपड़े जल्दी सूखेंगे जहां पर जहां पर हवा चल रही हो सरफेस एरिया ज्यादा हो और टेम्परेचर भी ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन कार्पेल इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कार्पेल में पाई जाती है कार्पेल का मतलब है कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसे हम कार्पेल कहते हैं जो कि कुछ इस तरीके का बना होता है ठीक है जो कि कुछ इस जो कि कुछ इस तरीके का इस तरीके का बना होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कार्पेल कहते हैं अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कार्पेल वाला कौन सा वाला भाग है इसमें क्या चीज पाई जाती है तो ये वाला नीचे वाला जो भाग है इसे हम क्या कहते है? कहते हैं हैं इसे ठीक है इसके अंदर क्या होता है इसी के अंदर आप देखोगे तो अब्यूल का पार्ट होता है अंडाशय का पार्ट होता है बी विल बी द राइट आंसर गेन सेपल्स और पेटल्स ये सारे के सारे मेल पार्ट जाते हैं अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर दे रखा है इसे ध्यान से समझिएगा सैपल क्या होता है? फूल के नीचे जो ग्रीन कलर की एक पत्ती लगी होती है उसे सैपल कहते हैं। पेटल्स क्या होता है? जो वगैरह होती है उसे हम पेटल कहते हैं कार्पेल क्या है ये बीच ग्रीन वाला पार्ट और स्टेमिन क्या होता है ये मेल वाला पार्ट होता है तो स्टेमिन जो है वो मेल पार्ट को कहते हैं और कार्पेल जो है वो फीमेल पार्ट को कहते हैं ठीक है भाई क्वेश्चन क्या है समारितों में किसकी संख्या समान होती है आइसुमर है सेम नंबर ऑफ वॉट न्यूक्लियंस न्यूक्लियॉन्स होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहां पे नाभिक नहीं है नाभिक के अंग है अंग कहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन आयन और प्रोटॉन क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों विल तो विल बी बी द द राइट राइट आंसर, आंसर। ए दी 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 क्योंकि जो संभारिक होते हैं उनमें एटॉमिक वेट समान होता है उनका एटॉमिक वेट समान होता है ठीक है एटॉमिक वेट क्या होता है समान होता है इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं संभारिक है। चूना क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना मतलब कैल्शियम की बात कर रहा है सी ए ओ ले लोगे तब भी एक ही बात है चूना पानी ले लो या फिर चूना ले लो लेकिन क्लोरीन को चूना पानी के साथ में मिलाया जाता है तो चूना पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिला दो क्या बनाएगा ये हुँ? फॉर्मूला मिला के बताना भाई तो फॉर्मूला मिला के बनेगा सी एल टू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सी एल टू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है एम ए एच सी ओ थ्री प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एस टू ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता दिया है और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता भारत में मैग्नीज़ का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है मैग्नीज़ का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र कर्नाटक ऑलरेडी ये चीज मैं बता चुका हूं बट फिर भी देखते हैं कौन आंसर देता है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है मध्य प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक मैग्नीज पूछा गया है एम पूछा गया है तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक बच्चा मध्य प्रदेश बता रहे हैं कुछ बी बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं राइट आंसर है महाराष्ट्र राइट आंसर कौन सा बनेगा महाराष्ट्र कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी आ जाता है ठीक है तो ये टोटल अगर हम बात करें ग्रुप डी के तो ग्रुप डी के तीस क्वेश्चन थे पच्चीस क्वेश्चन वो थे टोटल आज हमने क्वेश्चन पच, कवर किए तो पचपन क्वेश्चन काफी अच्छा आज हम लोगों ने स्कोर किया है काफी अच्छी लंबी क्लास चली है थोड़ा समय ज्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं समय समय पे इतना दिमाग नहीं लगाते हैं हम लोग समय पर इतना ध्यान नहीं देते हैं हमें तो ये है कि भैया कितनी जल्दी से जल्दी हमारे सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाए दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन बैच जिसमें हम पूरे के पूरे एनटीपीसी क्वेश्चन ग्रुप डी क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहे हैं कंप्लीट डिटेल्ड के साथ में रात में नौ बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें मैं नोटिस डाल दूंगा आप लोगों को पहले से ही डाल दूंगा आप देख लेना उसको आर्टिकल की क्लास है सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे सिंगल क्लास में ठीक है भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग आज अनकेडमी पर क्लास नहीं होगी दोस्त आज यूट्यूब पे ही क्लास होगी नौ बजे ठीक है चलो तो आज की क्लास को तो यहां पे खत्म करते हैं बाइंड अप करते हैं बाय बाय टेक केयर सभी लोग नमस्कार